बेबी फरजाना का आज बर्थडे है। क्या है बेबी फरजाना का आज? ये किसने दिया? हाँ, ये किसने दिया चॉकलेट तुम्हें? अब्बू। हैप्पी बर्थडे क्यूटी क्यूटी ब्यूटी क्यूटी। भाई सोना क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा है? भाई सो रहा है। बोलो सो रहा है। अच्छे से बोलो सो रहा है। ओ क्या खाया तुमने? मैंने आज फरजाना बिरयानी खाई है तुमने? बिरयानी। तो गाइस आज हमारा प्रिंसेस का बर्थडे है। उस दिन जिस बर्थडे में हम गए थे वो था इसके भाई का बर्थडे। चॉकलेट पीने थे। आप लोग कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज क्या है? आज है संडे और आज 11 फरवरी है। ठीक 10 दिन बाद से मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम है और मैं अभी से जो है ना अच्छा अच्छा खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं रिजल्ट के बाद मुझे कहाँ सब कुछ खाने को मिलेगा या नहीं। तो ठीक 21 फरवरी ICSE के बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं जिनको ICSE वाले, और मैं अभी भी यहाँ पे अपना वो कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी। तो मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ये प्याज काटे सारे, मैंने काटे। ये रोने धोने का काम मुझे ही दिया जाता है क्योंकि मैं रोने धोना बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे इतना पसंद है रोना कि मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से रो सकती हूँ, इसलिए ये काम मेरा। बाकी अदरक छीलना दीदी करेगी और बिरयानी तो दीदी ही बनाती है। और यहाँ पे चाय भी बन के रेडी है क्योंकि विदाउट चाय शाम नहीं जाती हमारी। तो आज फरजाना आई थी, आप लोगों ने देखा उसका आज बर्थडे था इसीलिए। तो बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट है वो। तो चलिए आज का व्लॉग देखते रहिए। बिरयानी बनाऊँगी मैं और आप लोगों के साथ अपनी मन की बातें बताऊँगी। मन की बातें मैं नहीं बनाऊंगी, सॉरी, बस मेरी दीदी बनाएगी। प्याज तो मैंने काट के दिए हैं, दिख रहा है आपको कितना सारा प्याज काटा है मैंने। तो चलिए यहाँ पे आलू उबाल रही हूँ और गाना चल रहा है, प्लीज इग्नोर द साउंड। मम्मी तो बिरयानी खाएंगी नहीं इसीलिए। और यहाँ पे मेरी और दीदी की चाय बना दी है मैंने, और दीदी ने यहाँ पे जो है ना चावल धो लिए हैं ये, इसीलिए गाना अच्छा है। गाइस अभी चावल हो गए। चावल कहाँ है? अच्छा चावल वहाँ पे बिछा दिए, मतलब वो क्या है? अच्छा ये चावल तूने बिछाए नहीं? हमारे चावल रेडी हैं और हमारा चिकन भी मैरिनेट करने के लिए दिया है दीदी ने, और इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए थे मैंने ताकि जो है वो अंदर घुस मसाला जो है वो चला जाए तो फिर अच्छा लगता है खाने में। और वो प्याज अभी तक वहीं पर ही है, हमने कुछ करा ही नहीं है। और दीदी वहाँ पे आलू छील रही है वो आलू डालने के लिए, बिकॉज गाइस हमारे बंगाल में ना विदाउट आलू के बिरयानी बनती ही नहीं है। यहाँ के लोग पता नहीं क्या है, बिरयानी में आलू डालते ही नहीं है। इनको क्या लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार डाल के देखना बिरयानी में आलू, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सुपर बनता है, सुपर। तो और हाँ वो बेरस्ता भी भागेगी मेरी दीदी। वैसे स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ घर पे बिरयानी के दो ही है, मेरे पापा और मेरी दीदी। मेरी दीदी हैदराबादी बिरयानी और कोलकाता को मिक्स करके बनाती है, और मेरे पापा अपने टाइप का बिरयानी बनाते हैं, वही जो मुरादाबादी बिरयानी यहाँ पे फेमस है। एक मिनट बंद करते हैं, जो मुरादाबाद की बिरयानी फेमस है वही बनाती है। तो चलिए क्या फिर से चलिए, कहाँ कितनी बार बोलते रहते हो, चलिए चलिए चलिए। ये रहे हमारे चावल, मैंने तब दिखाए तो थे लेकिन अब एक और बार दिखा देती हूँ। धुआं होता है और उसमें गरम मसाला सब कुछ जो है ना है यहाँ पे तेल गरम होगा। एंड चिकन को तो दिखा दिया, कितनी बार दिखाऊँ। ये आलू मैंने चॉपिंग बोर्ड खरीदा है,
मैंने चॉपिंग बोर्ड इसके लिए खरीदा है कि तुम इस पे रख के फ्लोर पे रख के कर रही हो, ये चॉपिंग बोर्ड किस काम का? मैंने आपको ये नहीं दिखाया, ये है रोजमेरी के पत्ते जो कि बालों के लिए बहुत हेल्दी। तो प्लीज पीछे के बैकग्राउंड का इग्नोर करिएगा क्योंकि वो अभी मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इसलिए ऐसा ही है। वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ, बस ये फैला हुआ ही रहता है ऐसा। और ये कुछ बॉटल्स ऑर्डर करी थी, इसका एक और था कांगे होगा कहीं रखा। गाइस हमारा चिकन बनके, मतलब चिकन जो है ना कसाना हो गया है। उधर आलू और बेरोस्ता भी फ्राई हो चुका है और ये चिकन पक रहा है अभी। गाइस हमारी टेस्टी टेस्टी बिरयानी को दम लगाने के लिए अब प्रस्तुति चल रही है। तो हमने कपड़ा बिछा के पहले चावल को तो है ना थोड़ा सा फैला दिया था ताकि उनका जो पानी और एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब हो जाए, चावल सूखे सूखे से हो जाए। हो गया सब कुछ हमारे रेडी। ये घर का घी, ये बेरस्ता, ये अजीब ही लग रहा है ये प्याज भाजा। ये है थोड़ा सा बिरयानी मसाला और बस यही है हमारी बिरयानी। गाइस हमारी बिरयानी बनकर रेडी है। दालचीनी गाइस कितना टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है हमारी बिरयानी। वाओ लेग पीस, आई लव लेग पीस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है नेक्स्ट डे, तो मैंने कल के बाद ब्लॉग ख़त्म ही नहीं करा था तो इसलिए मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। तो मैं पापा के साथ जा रही थी बाज़ार और ये मैं घर से निकल रहे थे और बाज़ार जाके मैंने ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं करा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आगे देखना आप लोग बहुत ही ज़्यादा। और ये मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत मतलब यहाँ पर जब से काम होके ख़त्म हुआ है ना मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया है यहाँ पर मंदिर। इसीलिए देखिए कितना जाम लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए नहीं बनाया मैंने। तो दोस्तों आते वक्त ना रास्ते में गन्ने का जूस बेच रहे थे मंदिर के सामने बिल्कुल, तो मैं घर के पास था तो पापा को मैंने बहुत मनाया क्योंकि पापा मना कर रहे थे, ठंड का मौसम है वैसे ही और इसीलिए। तो फिर भी मैंने पापा को मनाया, पापा मान गए। तो पापा ने कहा चलो ठीक है, फिर मैं जल्दी से बाकी टिफिन लेके आई क्योंकि बहुत लोगों का लेना था, बहुत लोगों का क्या मतलब 5-6 ग्लास लेने थे इसीलिए मैंने 5-6 ग्लास ले ली, 5 या 6 ग्लास पता नहीं कितने ग्लास लिए, पापा ने बोला होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक करते हैं, कल दूसरे ब्लॉग में और